गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमने 1773 का नियामक कानून यानी कि रेगुलेटरी एक्ट का पहला भाग देखा था। आज हम उसे पूरा करेंगे, यानी कि आज दूसरा भाग देखेंगे। कल हमने जो देखा था उसको पहले थोड़ा सा शॉर्ट में आपको फिर से मैं रिवाइज कर दूँ। 1765 में बंगाल में द्वैत शासन लागू हुआ था अंग्रेजों की बक्सर विजय के पश्चात। इस द्वैत शासन में कंपनी के अधिकारियों के पास उत्तरदायित्व न था, परंतु अधिकार पूरी थी, जबकि भारतीयों के पास यानी बंगाल के नवाब के पास जिम्मेवारी पूरी थी, अधिकार कुछ नहीं थे। लूट खसोट का माल कमाने का दौर जारी था। यहाँ से लोग काफ़ी संपत्ति लेकर के इंग्लैंड पहुंच रहे थे। जब रॉबर्ट क्लाइव इंग्लैंड पहुंचा तो मात्र 41 वर्ष की अवस्था में उसके पास इतनी संपत्ति थी कि वह सिर्फ उसी संपत्ति के आधार पर वह वार्षिक बिना कोई काम किए हुए 40,000 पौंड की आमदनी हो रही थी। वहाँ के लोगों में इन सब चीज़ों को देख करके कि जो भारत आ रहे कंपनी के अधिकारी के रूप में या कर्मचारी के रूप में जब लौट रहे तो अपार संपत्ति के साथ लौट रहे हैं। फिर भारत को लूटने का सिलसिला उनको पता लगा इंग्लैंड में, ये तोहफे के रूप में या जबरदस्ती पैसे वसूल रहे हैं यहाँ के लोगों से, किसानों से, हस्त करघा बनाने वाले लोगों से, अपने व्यक्तिगत व्यापार कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर के वहाँ पर विरोध शुरू हुआ, क्योंकि उन लोगों को ये पता था कि संपत्ति के बदौलत वो इंग्लैंड में प्रशासन को भी प्रभावित कर सकते हैं। उल्टा ये कंपनी के शेयरों को बढ़ा करके बताने लगे। 67 में 10% लाभांश दिखाया बाजार मूल्य के आधार पर, और 71 ईस्वी में 12.5%। ये तमाम चीज़ें चल रही थी और कंपनी की स्थिति वो लोग काफ़ी अच्छा दिखाए थे। दूसरी तरफ कंपनी का इनका मोनोपोली था, ईस्ट इंडिया कंपनी दूसरे को व्यापार करने नहीं चाहते थे, राजनेता भी चाहते थे और दूसरे व्यापार इसमें शामिल होना चाहते थे। इधर लाभ दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ वो लोग 1767 में यह चीज़ को बताए कि कंपनी 40,000 रुपये गवर्नमेंट के निर्देश पर ब्रिटिश कंपनी को सालाना देगी, लेकिन इससे लोगों वहाँ के लोगों में संतोष नहीं हुआ। उन लोगों ने इस पर अंकुश लगाने की सोची और अंकुश लगाने के लिए कई सभासद जो सांसद थे, कई राजनेता थे, इनका सरकार से मांग कर रहे थे, लेकिन वहाँ के राजा जॉर्ज तृतीय चूँकि संरक्षक थे कंपनी का, परंतु सांसदों के, नेताओं के, जनता के विरोध के कारण उन पर एक अंकुश लगाया और उन्होंने एक नियामक कानून की स्थापित करने के लिए, लागू करने के लिए एक आदेश निकाला। 1773 में यह नियामक कानून लगा जो कंपनी के नियमों को उजागर करता है कि इस नियम से कंपनी चलेगी। कंपनी की गतिविधियों को या संबंधित या रेगुलेट करने के लिए यह पहला कानून था। इस कानून के अंतर्गत हमने कल देखा था कि एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, इसको संचालक मंडल कहते हैं। इसमें कुल 24 सदस्य थे। इसमें एक जो संख्या एक चौथाई जो था हर साल को रिटायर करना था। इनका काम था कि भारत जो भी पेपर जाएगा वह सेक्रेटरी यानी कि सचिव महोदय को दिखलाना पड़ेगा कि क्या पेपर भेज रहे हैं, क्या नहीं भेज रहे हैं। फिर भारत में उन्होंने गवर्नर जनरल के पद को सृजन किया,
इस ये गवर्नर जनरल को मदद करने के लिए परिषद का निर्माण किया। गवर्नर जनरल के परिषद में 4 सदस्य होते थे। इन 4 सदस्यों के जिनको अपॉइंट किया गया था उसे फिलिप फ्रांसिस था, क्लेविन था, मानसन था और बार्वे। तो ये गवर्नर जनरल के रूप में वॉरेन हेस्टिंग्स को नियुक्त किया गया और उनके 4 सदस्य फ्रांसिस, क्लेविन, मानसन और बार्वे चार को किया। अब कंपनी के अधिकारी किसी भी प्रकार की घूस का या गलत पैसे से गलत तरीके से पैसे नहीं कमा सकते, इसके लिए इनकी तनख्वाह काफी बढ़ा दी गई। गवर्नर जनरल की तनख्वाह 25,000 पाउंड कर दी गई और परिषद के सदस्यों को 10,000 पाउंड नियत कर दिया गया। अब इनको ये मनाही कर दी गई कि किसी प्रकार का गिफ्ट नहीं लेंगे, किसी का डोनेशन नहीं लेंगे, कोई व्यक्तिगत व्यापार नहीं करेंगे। इन परिषद कैसे चलेगा? बहुमत के आधार पर चलेगा, कोई भी निर्णय बहुमत के आधार पर किया जाएगा। लेकिन जब मत विभाजन हो जाए, यानी कि 2 सदस्य एक तरफ हो जाए, 2 एक तरफ हो जाए, तब ऐसी परिस्थिति में गवर्नर जनरल का वोट जिस तरफ कास्ट होगा उसी का बात माना जाएगा। फिर अब यह निश्चित किया गया कि ये जो भी नियम बनाया जाएगा उसका सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्री होगा, अतः इसलिए एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में हुई। इस सुप्रीम कोर्ट के 2 अधिकार क्षेत्र, एक ओरिजिनल और दूसरा अपील। ओरिजिनल एंड अपीलेट। ओरिजिनल में उसके वास्तविक अधिकार थे तो सुप्रीम कोर्ट के होते हैं। अपीलेट मानी नीचे के निचले कोर्ट से या निचले न्यायालय से जो सुनवाई होती थी उसके विरुद्ध जो अपील किया जाता था ऊपर के कोर्ट में, तो ये कलकत्ता में किया। इस सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे वह पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में सर एलिजा इम्पेल। इसके अलावा 3 अन्य न्यायाधीश बने, एक हाइडेन, दूसरा चैम्बर्स और तीसरा लेमिस्टर। चैम्बर्स, लेमिस्टर और हाइडेन, चैम्बर्स, लेमिस्टर। अब इनकी तनख्वाह क्या? गवर्नर जनरल की तनख्वाह तो मैंने बता दिया, सदस्यों को बता दिया। अब हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तनख्वाह, मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे की तनख्वाह 8,000 पाउंड और अन्य न्यायाधीशों की तनख्वाह 6,000 पाउंड। कोई भी नियम जो बनता था उसको पहले रजिस्ट्री किया जाता था सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई जूरी सिस्टम से भी होती। तो पहली बार भारत में जूरी सिस्टम लागू किया और सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। अब हम इस आधार पर देखते हैं कि ये कानून भारत में लागू किया गया और कानून बनाया किसने? इंग्लैंड। लागू कहाँ बनाया? भारत। लेकिन इसकी कुछ समस्याएं थी। गवर्नर जनरल तो नियुक्त कर दिया गया लेकिन उसके ऊपर एक परिषद आ गया और परिषद के सदस्यों में अक्सर झंझट हो जाए। बाज वक्त ऐसे आया कि हाथापाई तक की नौबत हो गई। हाँ, बराबर के मत विभाजन को लेकर भी कई बार होते थे। गवर्नर जनरल जिसका पक्ष लेता था या जिसके फेवर में करता था वो सोचता था ये मेरा आदमी है, तो दूसरी तरफ सोचते गवर्नर जनरल पक्षपात करते। तो ये धीरे धीरे समस्या हो रही थी। हाँ, ये गवर्नर जनरल के साथ साथ 2 गवर्नर और थे, एक बॉम्बे में और दूसरा मद्रास में। ये युद्ध के मामले में गवर्नर जनरल युद्ध के अधीन होते थे। कुछ मामलों में शांति के मामलों में भी गवर्नर जनरल के अधीन थे,
लेकिन मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर अपने आप को एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से स्वतंत्र मानते थे। यह स्पष्ट नहीं था किस युद्ध के मामले में अधीन है या किस शांति के मामले में अधीन थे, ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं था कि समस्या क्लियर नहीं है। अगर हम इसका विश्लेषण करते हैं पाते हैं एक गवर्नर जनरल तो बना दिया गया लेकिन उसके ऊपर काउंसिल लग दिया। गवर्नर जनरल काउंसिल यानी परिषद के सामने अपने आप को असमर्थ पा रहा है। फिर एक कार्यकारिणी जो थी गवर्नर जनरल की वह अपने आप को सुप्रीम कोर्ट के सामने असहाय समझ रही थी और ऐसा सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था जिस पर भारत की शांति और सुव्यवस्था स्थापित करने का, भारत के कल्याण करने का कोई उत्तरदायित्व तो नहीं था। फिर यह भी नहीं पता था कि यह न्यायालय किस विधि से काम करेगा, भारतीय कानूनों के माध्यम से या ब्रिटिश कानूनों के माध्यम। यह भी स्पष्ट नहीं था कि कौन भारतीय जनता है, ब्रिटिश जनता जो भारत में रही वह उसके साथ किस तरह का हो और जो भारतीय हो उसके साथ किस तरह का हो। फिर अब प्रजा के मुकदमे के लिए वकीलों की जरूरत होने लगी, जबकि हमारे यहाँ ग्राम पंचायतों के माध्यम से निपटा दिया था, खर्चीला नहीं होता था। तो ब्रिटिश प्रजा की स्पष्ट रूप से यहाँ व्याख्या नहीं की गई थी, यह भी एक समस्या थी। लेकिन तमाम चीजों के बावजूद हम पाते हैं कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में लागू हुआ था 11 वर्षों यानी 1784 ईस्वी तक चला, इस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा इंग्लैंड के संसद और राजा के द्वारा सुदूर भारत प्रदेश में या सुदूर प्रदेश में प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रथम प्रयास था। चूंकि वो समस्याओं की पूरी जानकारी नहीं थी अतः अधिनियम को कई समस्याओं का सामना पड़ा और अधिनियम के अज्ञान में यह कानून बनाया गया था जो पूर्णतः सफल नहीं रहा। यही वजह है कि हेस्टिंग अपनी स्थिति सुदृढ़ नहीं कर सका। आगे हम देखेंगे 1784 के रेगुलेटिव में बिल्कुल कैसे सुधार किया। धन्यवाद।